हेलो फ्रेंड्स, ये है सबकी फेवरेट मैकरोनी। हम सभी इसे घर में अपने स्टाइल से बनाते हैं। आज मैं इसे बनाऊंगी एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप मैकरोनी और 1/2 कप मिनी सोया चंक्स लिए हैं मैंने। इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले मैं मैकरोनी बॉईल करूँगी। ये मैंने पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और इसे लो मीडियम फ्लेम पर मैं अच्छे से पकने तक बॉईल कर लूँगी मैकरोनी को, और उसके बाद इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लूँगी। उसके बाद मैं सोया चंक्स को भी बॉईल करूंगी। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1/2 टीस्पून और मिनी सोया चंक्स को ऐड किया है। इसके बाद एक बॉईल ही इसे मैं दूंगी और उसके बाद फ्लेम ऑफ करके हम इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इससे ये सोया चंक्स अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है। वेजिटेबल्स में मैंने 1 अनियन लिया है, 1 कैप्सिकम, 2 टमाटर लिए हैं और काफ़ी सारा गार्लिक लिया है। इसका मैकरोनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। सबसे पहले मैं सॉसेस का एक मिक्सचर बनाऊंगी। ये मैं 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस ले रही हूँ, 1 टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लिया है मैंने, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस है और 1 टीस्पून टमाटो केचप है। टमाटो केचप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो नहीं डालें। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। बच्चों को केचप बहुत ही अच्छी लगती है। इन सभी सॉसेस को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये रेडी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और मैकरोनी का मसाला रेडी करेंगे। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसे हाई हीट पर अच्छे से गरम करूँगी और अब मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिए हैं। इसे मैं 1/2 मिनट ही पकाऊंगी, हमें बहुत ज़्यादा अनियंस को नहीं पकाना है। और इसके साथ ही इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर दूंगी। बस इसे भी 1 ही मिनट सॉटे करूंगी। इन सारी वेजिटेबल्स को हमें क्रंची फ्लेवर तक ही पकाना है। और अब मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक ऐड किया है। इसका भी रॉ फ्लेवर मैकरोनी में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें सोया चंक्स भी ऐड कर दूंगी और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सोया चंक्स के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो चला जाए और ये थोड़े से कुक हो जाएं। इसी तरह इन्हें स्टर करते हुए मैं 1 से 2 मिनट तक सॉटे करूंगी। अब मैं इसमें स्वीट कॉर्न ऐड कर रही हूँ। इसे मैंने माइक्रोवेव में 2 मिनट तक सेमी कुक कर लिया था। इन्हें भी मैं इसके साथ 1 मिनट तक कुक करूंगी। सोया चंक्स की वजह से ये काफ़ी प्रोटीन रिच बनती है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी स्नैकिंग है। 2 टमाटोज को मैंने रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब हम इसे टमाटोज के सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे ताकि टमाटर हल्के से कुक हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। इस वक्त मैंने फ्लेम मीडियम ही रखा है। अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें क्योंकि पहले हमने मैकरोनी में भी सॉल्ट ऐड किया था। और ये 1 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ।
आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये काफ़ी स्पाइसी स्नैक्स बनता है। बट क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें ग्रीन चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। और 2 मिनट कुक करने के बाद मैंने जो सॉसेस का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी बस आधा मिनट हल्के से मिक्स करके मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। ये मैक्रोनी ऐड करने के बाद हमें इसे सिर्फ 2 मिनट ही और पकाना है और ये मैक्रोनी सर्व करने के लिए रेडी है। अगर बच्चों को पसंद हो तो आप इस वक्त केचप और ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनती है। मेरे बच्चों को मैक्रोनी बहुत पसंद है, लेकिन उनकी स्नैकिंग को थोड़ा हेल्दी करने के पर्पज़ से मैंने इसमें सोया चंक्स ऐड किए हैं। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे दीजिए एक बड़ा सा थम्स अप, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।